हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है फेज इक्विलिब्रियम, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पेपर फर्स्ट है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका पेपर पैटर्न एमसीक्यूज बेसिस पे है तो ये सारे एमसीक्यूज आप लोगों के एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका सिलेबस थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस करा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक भी बता दिया है, और यूनिट वाइज सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे एमसीक्यूज क्वेश्चन हो, सब कुछ मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके पहले यूनिट 6 का मैंने बनाया हुआ था, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया, यूनिट 1 का, यूनिट 2 का, उसका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हुआ है, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कहाँ पर मिलेगी, सबसे पहले मेरे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें आप लोगों को सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स डिटेल में मिल जाएंगे, साथ ही साथ उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट की वीडियो भी सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मेरे चैनल पर आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक तीनों सब्जेक्ट के डिटेल लेक्चर डिटेल टॉपिक्स कवर, और साथ ही साथ सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पेपर एनालिसिस, यहां तक कि वन शॉट वीडियो एज अ रिव्यू, सब कुछ मिल जाएगा। और जितने यूनिट मैंने नहीं कराए हैं उसके वन शॉट वीडियो जल्दी ही चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि मैम सबसे पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम क्लोज है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को जब पता चल जाएगा तो उसके आंसर्स तो आप लोग कहीं से भी लिख लीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन जो बताने वाली हूँ उसको आंसर सहित बताने वाली हूँ। और ऐसी बुक से मैं आप लोगों को बताती हूँ जो बुक आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट करती है। पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया हुआ था कि मैम आपने जिस बुक से कराया हुआ उससे बहुत सारे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आए हुए थे, और एमसीक्यूज में ऐसा होता है बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस बुक में सब कुछ इंक्लूड है, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिलती, सबसे पहले कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। फिर भी अगर आप लोगों को जैसे सर्च करना है ना यूट्यूब पर, तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा, तो केमिस्ट्री के आप लोगों को जितने भी लेक्चर्स मेरे चैनल पर होंगे सब कुछ मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को फिजिक्स चाहिए तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स बाय योर बीएससी गाइड, मैथ्स का चाहिए तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड, बस कुछ भी टॉपिक सर्च कीजिएगा, बाय योर बीएससी गाइड लगा दीजिएगा, तो आप लोगों को मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स की वीडियो होंगी सब कुछ सामने दिख जाएगी। नहीं तो मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, सबसे पहले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी ऐड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर के सारे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा सारे सीक्वेंस वाइज लेक्चर। अगर आपको कोई भी लेक्चर नहीं मिलता, कोई भी डाउट होता है, लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, या कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता हो और चाहे वो कितने बजे ही करे, एक से एक दिन में ही मैं आप लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछा करिए, और वीडियो को पूरा देखिएगा, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली वीडियो में कि फेज इक्विलिब्रियम के जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगी, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, दोनों मेरे चैनल पे अवेलेबल तो है, और जितने क्वेश्चन बताऊंगी आप लोगों को उतने के उतने प्रिपेयर करके जाना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, इससे क्या होगा कि शाम को 6 बजे जो मेरी न्यू वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन जो होगी आप लोगों को 5:30 बजे यानी आधा घंटा पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश बोथ है, तो आप अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी ये, ठीक। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है एट द ट्रिपल पॉइंट इन वाटर सिस्टम द टेम्परेचर एट, ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था कि जो वाटर सिस्टम का जो फेज डायग्राम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी से बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं, और इसकी वन शॉट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रही हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। तो जो ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर सिस्टम के, कौन से टेम्परेचर पर होता है, वो होता है 0.0078 डिग्री सेल्सियस पे, हिंदी में भी दिया गया है तो आप लोग देख सकते हैं।
हैं। सेकेंड है द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन आइस, इक्विलिब्रियम विथ वाटर, इक्विलिब्रियम विथ वेपर सिस्टम। इसमें कह रहा है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है आइस से वाटर और वाटर से वेपर सिस्टम में, वो इक्विलिब्रियम में होता है, तो वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, वो होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसकी। और थर्ड क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस इन वन कंपोनेंट सिस्टम। एक कंपोनेंट सिस्टम में कितने फेजेस होते हैं, एक कंपोनेंट सिस्टम में 3 नंबर ऑफ फेजेस होते हैं। जब मैं आप लोगों को इसकी डिटेल यूनिट लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी ना, तो उसमें आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से बताऊँगी, क्योंकि MCQs क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आप लोगों ने डिटेल में लेक्चर्स को कवर किया है तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अंदर ही अंदर टॉपिक से बन सकते हैं। बाकी जो जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ही ज़रूर पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिए और एग्जाम के पहले ज़रूर पढ़ के जाइएगा। सबसे पहले मैंने बता दिया कि ट्रिपल पॉइंट वाटर सिस्टम का कौन से टेम्परेचर पे होता है, वो होता है 0.0078 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आइस से वाटर, वाटर से वेपर सिस्टम में जाता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। और वन कंपोनेंट सिस्टम का नंबर ऑफ फेजेस, फेजेस की बात कर रहा है, कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा, फेजेस कितना होता है, वो 3 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूथेटिक कंपोजिशन इन लेड सिल्वर सिस्टम। इस जो यूथेटिक कंपोजिशन होता है लेड, लेड मतलब लेड होता है और सिल्वर, सिल्वर Ag और लेड सिस्टम में वो Pb, लेड क्या होता है Pb होता है, वो कितना होता है, वो होगा, इसका आंसर होगा ए वाला, 2.4% Ag होता है जिसमें 97.6% लेड होता है। ठीक, ये यूथेटिक कंपोजिशन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इज कॉन्स्टेंट इन द कंडेंस्ड फेज रूल। कंडेंस्ड फेज रूल में कौन सा फैक्टर कॉन्स्टेंट होता है, तो इसका आंसर होगा कंपोजिशन। कंपोजिशन जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। आप लोगों को, अगर आपके छोटे भाई बहन है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो उनको भी मेरा चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी सारा कुछ कंटेंट अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो उनको भी हेल्प मिलेगी और आपको भी पूरा सेमेस्टर अच्छे से गाइडेंस मिलेगी। और बाकी मैंने एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप लोग कैसे प्रिपरेशन करनी है, पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए, 2 मंथ में प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, कॉपी कैसे लिखना चाहिए, टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो उस प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किए हुए हैं, और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन लेड सिल्वर सिस्टम टोटल नंबर ऑफ फेजेस, जो पीबी और एजी का सिस्टम है, कितने नंबर ऑफ फेजेस होते हैं एट यूथेटिकल पॉइंट विल बी, कितने होते हैं, इसका आंसर होगा 3। ठीक, 3 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 2 कंपोनेंट सिस्टम। अभी तक 1 कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे थे जिसमें फेजेस के बारे में बात कर रहे थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देखे थे, अब 2 कंपोनेंट सिस्टम होगा तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, तो इसका आंसर होगा 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 8 है। द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट विल बी, जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में, वो कितना होता है, आप लोग भी कमेंट करके बताया कीजिए अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसका होगा 8 का ए फर्स्ट, 1 ATM। आप किसी भी तरह का डाउट एग्जाम से रिलेटेड है, कॉलेज से रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड है, बस पढ़ाई से रिलेटेड डाउट होना चाहिए, मैं आप लोगों के सारे डाउट को सॉल्व करूँगी। और आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि आप वीडियोस नहीं आ रही, मैं आप एग्ज़ाम से पहले पहले सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी, बस आप लोग एक बार ट्रस्ट कीजिए। और जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना, तो आप देखेंगे जितने मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताए हुए हैं, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, जितनी अच्छी तरीके से गाइडेंस दी हुई है, वही सारी चीज़ें आप लोगों के काम भी आएगी। तो आप लोग ट्रस्ट कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। द फेज रूल वॉज प्रोपाउंडेड बाई, मतलब जो फेज रूल किसने दिया था, या कह सकते हो हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फेज रूल, तो इसका आंसर होगा सी, वैंट हॉफ ने जो है फेज रूल दिया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। द टोटल नंबर ऑफ फेजेस इन NaCl H2O सिस्टम इज, NaCl H2O सिस्टम में नंबर ऑफ फेजेस कितने होंगे, तो इसका आंसर हो गया ए वाला। होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ
कि जो मेरी वीडियोस आएंगी अब 6 बजे और 8 बजे दोनों टाइमिंग पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स क्लोज आने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि दोनों के दोनों टाइमिंग पे आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ, और आप लोगों की जितनी भी क्वेरी डाउट्स वगैरह होता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछूँगी आप लोगों से कि आप लोगों से क्या क्या डाउट हैं वो भी बताइएगा, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालूँगी, और आप लोग इस वीडियो के कमेंट करके बताइए कि आप किस किस यूनिवर्सिटी से हैं, तो मैं उस यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। ठीक, तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, सच में थोड़ी सी भी हेल्प होती है, आप लोगों को थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो उतनी डिमांड होगी स्टूडेंट की, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो भी बनाऊंगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को हेल्प मिली कि नहीं मिली है, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।